हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मृग्यास फूड स्टोरी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम बटर मसाला। एंड इट्स अ रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रेसिपी। मशरूम बटर मसाला के लिए मैंने पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें मैं अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लूँगी। मैंने यहाँ पे तेल में शाही जीरा ऐड किया है और उसमें ऐड की है बारीक कटी हुई प्याज। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, इसे हमें भी थोड़ा सा और भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्ची, मैंने ये दो हरी मिर्ची ली है तोड़ के। चॉप टोमेटोज मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हमें इसे थोड़ी देर भूनना है। अब ये भुन चुका है तो मैं इसमें ऐड करूंगी नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। और मैं इसमें ऐड कर रही हूं मक्खन, क्योंकि हम बना रहे हैं मशरूम बटर मसाला। अब मसाले में से तेल थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है, इसको भी हमें थोड़ी देर और पकने देना है, जब तक ये तेल पूरी तरीके से अलग ना हो जाए। अब मसाले में से तेल अलग हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मशरूम। मैंने ये 200 ग्राम्स मशरूम लिए हैं, मैंने इनको बॉईल कर लिया था। मशरूम को थोड़ी देर इसमें पकने देंगे और जब इस मसाले में से तेल अलग हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे फॉर द ग्रेवी। अब मैं कुछ देर मशरूम को लिड लगा के पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से तेल सेपरेट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। फिर हम ऐड करेंगे वाटर। अच्छे
अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है, क्योंकि मशरूम बटर मसाला थोड़ा थिक ग्रेवी में होता है। मैंने इसमें मशरूम पहले से बॉईल करके डाले हुए हैं, बट ये आपकी चॉइस है टोटली। अगर आपको कच्चे ही डालने हैं तो आप कच्चे भी डाल सकते हो, बट इसमें बस एक चीज़ का फ़र्क आता है कि जो हमारी कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि मशरूम को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स इट, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस। अब मशरूम बहुत अच्छे से भुन चुका है और पक भी गया है, और हमारी ग्रेवी भी अब थिक हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी 2 टीस्पून। क्रीम, दिस इज फ्रेश क्रीम, कुछ देर और पकने देंगे। अब मशरूम बटर मसाला में से ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी कस्तूरी मेथी। तो ये लीजिए, मशरूम बटर मसाला रेडी है, और मैं इसको अब गार्निश करूंगी धनिया से। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। वाओ, इट्स यम, टू गुड। डू ट्राई इट एट होम, इट्स टोटली इन रेस्टोरेंट स्टाइल।